अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज की वीडियो के अंदर मैं पेपर एग्ज़ाम से मुतलका आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अक्सर व बेशतर मल्टीमीडिया के ऊपर बहुत सी अफवाहें और न्यूज़ जो फैलाई जा रही हैं, जिनमें से मोस्टली जो हैं वो फेक हैं, अक्सर बेशतर जो है उनका कोई भी हकीकत से ताल्लुक नहीं है। इस सेंस में मैं आज आपको पेपर से मुतलका करीबन आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं उनको रिकवर कर देता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि वीडियो की डिटेल डिस्कस करें, नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि इस हमारे चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब करके साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मजीद आने वाले ऐसे अपडेट्स भी मिलती रहें। तो जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर जो बकायदा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे 3-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो होंगे स्पेशली मैट्रिक और इंटर के एग्जाम से मुतलका। एक तो स्टूडेंट्स हम जो बात करेंगे, पहली बात जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास होने जा रहा है वो ये है कि मैट्रिक के एग्जाम कब होंगे। ओवरऑल मैट्रिक के एग्जाम जो हैं, आम रूटीन में आपको पता है कि आम फेब के लास्ट में स्टार्ट होते थे और मार्च के करीबन ये लास्ट तक चलते थे 9th और 10th के एग्जाम। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बार उन्होंने बकायदा तौर पर थोड़ा सा डिले कर दिया इनको, COVID-19 की कंडीशन जो है सेकंड लॉकडाउन के अंदर, इसको देखते हुए थोड़ा सा इसको डिले कर दिया गया है। तो अब जो नई पॉलिसी आई है, बकायदा तौर पर जो एग्जाम बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके इन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये तमाम बातें क्लियर की हैं। उन्होंने बताया है कि आपके ये जो एग्जाम्स हैं इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने बता दी है, फिर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के फैसले के ऊपर ये रिकवर होगा, लेकिन 90% ये क्लियर है, क्योंकि वो बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह मैट्रिक के एग्जाम जो हैं वो ओवरऑल मई के अंदर होंगे, इंटर के एग्जाम जो हैं स्टूडेंट्स वो जून के अंदर होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि इंटर के एग्जाम्स पहले भी जून में हैं और इस बार भी वो जून के अंदर ही लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जाम्स कब होने हैं। आपको मजीद सुनी सुनाई बातों पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है, इन पे कान मत धरें और जस्ट आप अपनी स्टडी करें और आपके एग्जाम जो है मुतवक्का जो डेट्स है उसी के मुतलका और उसी के मुताबिक होंगे। सेकेंड जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट सिलेबस से मुतलका। असल में स्टूडेंट्स, हालिया स्मार्ट सिलेबस के ऊपर टीचर्स, स्टूडेंट्स, तालीमी अदारे, स्कूल, कॉलेज, सारे के सारे उसमें डिस्टर्ब हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा आया कि स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाए या फिर टोटल को फॉलो किया जाए। तो इस जमन के अंदर आज हम ये क्लियर कर देते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स आप किसी की बात मत सुने। लाहौर बोर्ड के ऊपर मैट्रिक और इंटर के तमाम जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर या बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट, इन सब का वहां पे रिड्यूस सिलेबस मौजूद है। वहां पे जो सिलेबस दिया गया वो रिड्यूस ही है, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक ही जो आप सिलेबस दिया गया है, आपको किसी और बात पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहां रिड्यूस जो सिलेबस है इसके ऑप्शन को ओपन करें, आपको तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर वहां पे हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट ये है हमारे पेपर के अंदर इस बार पैटर्न क्या होगा। ओवरऑल बहुत से लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अक्सर मल्टीमीडिया के ऊपर बकायदा तौर पर डिस्कशन की जा रही है, कई एक न्यूज चैनल इसके ऊपर जाके भरमार कर रहे हैं न्यूज की कि इस बार एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, इस बार 50% ऑफ होगा। हाल ही हमारे पास बहुत सी ऐसी न्यूज पहुंची थी, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्लियर किया जा रहा है कि जो प्रीवियस हमारे पास सिस्टम चलता आ रहा है जिसमें शॉर्ट एमसीक्यूज प्लस लॉन्ग होते थे, इस बार भी वही सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, उसी पैटर्न के मुताबिक आपके एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको इन बातों के ऊपर यकीन आप मत करें, आप जस्ट ये है कि अपना रिकवर करें, आपका इंशाल्लाह जो पहला पेपर पैटर्न है वही आगे जाके अडॉप्ट किया जाएगा। 2021 के तमाम एग्जाम्स मैट्रिक के या इंटर के वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट वो ये है, आज से 2-3 माह पहले से लेके ये बात की जा रही है कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर कर दें आपको कि प्रैक्टिकल के लिहाज से ये वाजे किया जा रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई भी सही हकीकत मौजूद नहीं है। अभी भी उन्होंने ये वाजे किया है कि कोई करेक्टली हम इसके बारे में नहीं बता सकते। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि आप जो है
ओवरऑल वेट करें, एग्जाम से एक माह पहले उनका कहना था कि हम आपको बकायदा इन्फॉर्म कर देंगे प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, तो इस चीज को आप भी अपने सामने रखिएगा। आप उतनी देर तक जस्ट अपना स्टडी करें और ये तमाम बातों को माइंड में रखें, एग्जाम्स इस बार लाजमी होंगे, ना तो एग्जाम कैंसिल होंगे और स्टूडेंट्स ना ही एग्जाम जो है वो शॉर्ट या क्विज टाइप होंगे। इन तमाम बातों को क्लियर कर दीजिएगा, अपने मन में बिठा लें। आपको मजीद ऐसी वैसी जो बात लोग कर रहे हैं उनकी बातों के ऊपर यकीन मत करें। तो ये आज हमारी 4 बिग न्यूज थी जो मैंने आपसे शेयर की। नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स काइंडली कमेंट करके आप रिप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।